हेलो एंड वेलकम टू SDCM। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में क्या संबंध होता है। तो आज इस पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये देखिए, यदि पदमानों के गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य 32 और 25 हो, गुणोत्तर माध्य 32 दिया हुआ है, हरात्मक माध्य 25 दिया हुआ है, तो उनका समांतर ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना है इस क्वेश्चन में अभी हमें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन देखा इन तीनों में, एक बेसिक सा सिंपल सा रिलेशन होता है, GM इज इक्वल्स टू गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM। समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल का वर्गमूल गुणोत्तर माध्य के बताता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो GM इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमें GM की वैल्यू दी हुई है 32, गुणोत्तर माध्य 32 दिया हुआ है और हरात्मक माध्य 25 दिया हुआ है, तो HM की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 25। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा GM की जगह हम 32 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM की जगह हम 25 फुट करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हम कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा AM इंटू 25, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है ये होगा 1024 इज इक्वल टू AM इंटू 25, और यहाँ से AM की वैल्यू निकालेंगे तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 अपॉन में पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 1024 बटे 25, और इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 4 चांस, और ये हो जाएगा 20.96, ये हो जाएगा कुछ 40.96, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो समांतर माध्य हो जाएगा AM इज इक्वल टू 40.96। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा रिलेशन होता है इन तीनों में, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य में GM इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, ये होता है अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM, AM इंटू HM। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के वर्गमूल के। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।